बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी लाहौर की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड लड्डू पीठी। लड्डू पीठी वाले ये बहुत ही मजे की होती हैं और बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, स्पेशली लाहौर में जो है वो ये गलियों में रेड़ी वाले शाम को, दोपहर को, गर्मियों में जब वाजल गाते हैं तो बहुत सारे लोग उससे लेके खाते हैं। बहुत कम ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में जो है वो बनाई जाती हैं, लेकिन हमने ज्यादातर जो है वो लाहौर में ही खाई और देखी है। हमें भी बहुत पसंद आया तो हमने सोचा कि इसको जो है वो सब इसकी रेसिपी घर में हम अक्सर बनाते हैं, क्योंकि हर कोई लाहौर तो नहीं अब लड्डू पीठी खाने के लिए जा सकता। तो हमने सोचा कि इसकी रेसिपी जो है वो आपके साथ भी शेयर की जाए, ताकि ये इतनी मजेदार सी रेसिपी जो है वो आप भी इंजॉय कर सकें। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसे दो तीन स्टेप्स में ये तैयार होती है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब बताया जाएगा कि कैसे सारा कुछ इसका तैयार होता है। तो एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये मजेदार सी और क्रंची सी लड्डू पीठियां कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले जो है हम मीठी चटनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने ये एक पाव आलू बुखारा लिया है, खुश्क आलू बुखारे। इनको हमने दो से तीन घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब ये अच्छी तरह आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस दो कप पानी समेत इस एक पाव या वो आलू बुखारे को हम डेचकी में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे 5 से 6 मिनट, जब तक अच्छी तरह जो है वो इसकी गुठलियां और इसका गुदा जो है वो अलग नहीं हो जाते। हमारे आलू बुखारे जो हैं बहुत अच्छी तरह फूले हुए थे, 3 से 4 घंटे आप इनको पानी में भिगो के रख दें, बहुत अच्छी तरह से ये फूल जाते हैं। तो अब उनको अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो गया। बहुत ही मज़ेदार लड्डू पीठियों की हमारी रेसिपी होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तीन किस्म की चटनियाँ जो है वो इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो हम सबसे पहले ये मीठी चटनी बना रहे हैं, इसके बाद खट्टी बनाएंगे। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। जितनी मज़े की लड्डू पीठियाँ हैं ना, आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं जो है वो इसको फुल फ्लेम पे जो है वो इस तरह बॉयल होते हुए बुखारों को, तकरीबन आप देख सकते हैं कि इसकी गुठलियाँ अलग हो रही हैं और जो गूदा है वो अलग हो रहा है। तो 1-2 मिनट मज़ीद हम इसी तरह इसे पकाएंगे। अब यहाँ चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। अब यहाँ हमने एक छन्नी रख लिया है और तमाम जो है वो आलू बुखारे वाला गूदा इसमें डालेंगे। इसको छान लेंगे और ये जो गुठलियों वाला गूदा है आलू बुखारे का, इसको मसल मसल के हम इसकी गुठलियाँ जो है वो अलग कर लेंगे। ये गुठलियाँ इस तरह अलग हो रही हैं, तो इनको ऐसे ऐसे चम्मच से मसल कर तमाम गुठलियाँ जो है वो उसमें से निकाल लेंगे। तमाम गुठलियाँ इस गुदे में से निकल चुकी हैं, तो ये जो गुदा बच गया है इसको हम 1/2 कप जो है वो ठंडा पानी डालकर ब्लेंडर जग में जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। ये इसको हमने ब्लेंड कर लिया है, इसको भी आप जो है वो छाने में इस तरह डालेंगे और चम्मच की मदद से जो है वो सारे को छान लेंगे। तमाम गुदा जो है वो हमारा पानी के साथ निकल गया। अब दोबारा से देखिए चूल्हे पर रख के ये आलू बुखारे वाला सारा पानी जो है वो देचकी में डाल देंगे और अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच ये चिली फ्लेक्स हैं वो डालेंगे और ये 2 टेबलस्पून सिरका है वो डालेंगे और इसको 7 से 8 मिनट पर फुल फ्लेम पर जो है हम पका लेंगे और अच्छी तरह गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे।
आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी जो है वो मीठी चटनी लड्डू पीठियों के लिए जो हम बना रहे हैं वो थिक हो चुकी है। जब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा ये थिक हो जाएगी। तो यहाँ हम इसकी जो है वो फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। खट्टी चटनी बनाने के लिए अब हमारे पास ये इमली है जो कि हमने 3 से 4 घंटे पहले भो के रख दी थी, तो इसका तकरीबन गूदा और गुठलियाँ अलग हैं, लेकिन फिर भी हमें इसी तरह हम इसे 2 गिलास पानी में हमने इसे भो के रखा था। इसको 2 गिलास मजीद पानी डालेंगे, सॉरी मैं 2 गिलास कह रही हूँ, 2 कप पानी डाल के हमने उसे भिगोया था और 2 कप मजीद हम उसमें पानी डाल रहे हैं। और अब इसको जो है वो तेज आंच पे हम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं हमारी इमली को अच्छी तरह जो है वो तेज आंच पे पकते हुए, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है वो इसकी गुठलियाँ जो है वो गुदे से अलग हो चुकी हैं। तो अब जो हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको भी जो है पानी और गुठलियाँ छान कर अलग कर लेंगे। पैन अब दोबारा हमने चूल्हे पे रख लिया है और ये इमली वाला पानी छान के हम दोबारा से इसमें डाल देंगे। यहाँ लड्डू पीठियों के लिए हम इमली की खट्टी इमली चटनी के लिए खट्टी इमली बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने अब ये 1 कप जो है वो हमने गुड़ लिया है। तो आप चाहें तो शक्कर ले सकते हैं, गुड़ नहीं है तो वो डालेंगे इसमें। इमली वाले पल्प में 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और 1 चम्मच हमारे पास गरम मसाला है वो डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब इसको अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको 10 मिनट पकाएंगे। दस से 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इस तरह तेज आंच पे जो है वो हमारी इमली की खट्टी चटनी को पकते हुए। यहाँ हमने ये लिया है 2 टेबलस्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है और 3 टेबलस्पून हमारे पास पानी है, इसको करेंगे मिक्स। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, कोई भी इसमें जो है वो गुठली बाकी ना रहे। ये अच्छी तरह जो है वो कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स हो चुका है। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इसमें कॉर्नफ्लोर डालते जाएंगे और चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो ठीक होने तक पका लेंगे। इन लड्डू पीठू की चटनियों के अलावा हमारे चैनल पर जो है वो इमली और आलूबुखारे की मीठी चटनी जो शादियों पे जर्दे के साथ होती है बादाम वाली, वो भी रेसिपी मौजूद है। प्लीज़ हमारे चैनल पे आप इमली और आलूबुखारे की मीठी चटनी जो है वो ज़रूर सर्व कीजिएगा। तो हमारी खट्टी चटनी भी जो है वो थिक हो चुकी है, तो अब चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। लड्डू पीठी के दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में तो हमने 2 चटनियाँ तैयार की हैं खट्टी और मीठी। दूसरे स्टेप में ये हमारे पास जो है वो माश की दाल है, 1 कप हमने माश की दाल ली थी और ये 1 कप हमने चने की दाल ली थी। इनको हमने 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह ये फूल चुकी हैं। तो अब इनको हम ब्लेंडर जग में 1 कप पानी डाल के अच्छी तरह स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आलू के हमने अच्छी तरह ब्लेंडर में स्मूथ सा पेस्ट बना लिया, इस तरह हो गया है ये। तो अब इनको 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छी तरह इस तरह जो है वो ना फेंटेंगे ताकि अच्छी तरह ये दालें जो है वो मिक्स हो जाएं आपस में। अब जो है इसमें डालेंगे हम ये 1 से 1.5 चम्मच जो हमारे पास नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितना आपके पास जो है वो दालें हैं। 1 टेबल स्पून जो है वो कुटा हुआ जीरा और 1 टेबल स्पून हमारे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है ये, बेकिंग सोडा है ये। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
घर में बनाने से मेहनत तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब मजे की चीज और साफ सुथरी चीज घर में मिलती है तो मेहनत वसूल हो जाती है। और फिर ये जो है लाहौर का स्ट्रीट फूड है, इधर तो बहुत ही कम हमारे इलाके में मिलता है, तो हर कोई अब लाहौर तो नहीं जा सकता ना इतना अच्छा फूड टेस्ट करने के लिए। तो हमने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करें ताकि आप घर में भी बना के ये मज़ेदार सी रेसिपी खा सकें। हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो अब हमने यहाँ पे ये एक प्याली में गर्म पानी लिया है और एक चम्मच लिया है इस तरह गर्म पानी में उसे लगा के, तो ये इतना सा बैटर आप लेके तोयल में डाल देंगे। वो एक हमने डाल दिया है, सॉरी उसकी हम जो है वो वीडियो नहीं बना सके। अगर आपका बैटर थोड़ा सख्त है तो आप हाथों की मदद से भी इसे शेप देके तो डाल सकते हैं। अब हम इनको गोल्डन होने तक जो है वो दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेंगे। जो पहले डाली थी एक ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए, वो थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो चुकी है। अब जो पहले डाली थी आई थिंक वो हो चुकी है गोल्डन। अब उसको जो है वो निकाल लेते हैं, बाकी उनको गोल्डन होने पर निकाल लेंगे। साइज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मैंने छोटा साइज ही रखा है, लेकिन कमर्शियली थोड़ा बड़ा साइज होता है, आप अपनी पसंद और मर्जी से साइज थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। बाकी भी सारी हमारी गोल्डन हो चुकी हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी बहुत गोल्डन हमारी लड्डू पिटियाँ तैयार हैं। अगर आप चम्मच के साथ नहीं बनाना चाहते तो इस तरह एक चम्मच हाथ पे डाल के थोड़ा सा चपटा करके आप इसे प्याज के साथ ऑयल में डाल दें। ये भी तरीका जो है वो आप कर सकते हैं अगर चम्मच के साथ थोड़ा इसकी है। माशाल्लाह जी हमारी सारी लड्डू पिटियाँ जो है फ्राई होके रेडी हो चुकी हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी बहुत गोल्डन। तो आप जो है वो अगला स्टेप शुरू करते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये एक अदद मूली है, इसको हमने छील के अच्छी तरह धो लिया है, तो अब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। मूलियाँ हमने ग्रेट कर ली हैं, अब इसकी फाइनल जो है अब हम सर्विंग करते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही क्रिस्पी सी लड्डू पीठियों की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। दो तीन स्टेप में ये तैयार हुई है। पहले स्टेप में हमने इसके लिए चटनियां तैयार की हैं, एक हमारे पास जो है वो मीठी चटनी है आलू बुखारे की और दूसरी हमारे पास जो है वो खट्टी चटनी है इमली की। ये चटनियां तैयार करने के बाद हमने जो है वो लड्डू पीठियों के लिए बैटर तैयार किया है, फिर उनको फ्राई किया है और उसके साथ ही ये मूली के साथ सर्व की जाती है। मूली को हमने ग्रेट करके रख लिया है, तो तमाम लाजमात जो है लड्डू पीठियों की मौजूद हैं। हम आपको फाइनल इसकी लुक दिखाते हैं। लड्डू पीठी रखी है और पहले मीठी चटनी, अब खट्टी चटनी, और इसके ऊपर मूलियां, और ये थोड़ा सा पुदीना। बहुत ही मजेदार बहुत ही डिलीशियस हमारी लड्डू पीठी तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी खाएं और इंजॉय करें। जितनी खूबसूरत ये देखने में है इंशाल्लाह उतनी मजेदार ये खाने में होगी। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।